हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 54। सो चलिए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस, देखते हैं अपनी वोकैब को, अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो भी सेशन को पहली बार देख रहा हो, वो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने सेशन 54 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन किस चीज़ का होता है? हमारा स्पॉट द एरर का है, एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ है। तो देखते हैं, विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम अ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, अवॉइडिंग द नीड फॉर प्राइसेस डेडिकेटेड हार्डवेयर सच एज गेम कंसोल। तो इसमें हमें एरर ढूंढना है। तो जब हमने रीड किया विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वर्ड है जिसमें हमारा आई से स्टार्टिंग हो रही है। इंटरनेट में स्टार्टिंग किस से हो रही है? आई से, जो कि एक वोवल है, और वोवल अपने से पहले एन आर्टिकल लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है? ए। तो किस पार्ट में हो गया हमारा एरर? विद। तो विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फॉर एन इंटरनेट, यहाँ पर एन आना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा एरर वाला पार्ट। इसके बाद चलते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन पे। एम टी एस का पूछा हुआ है, स्पॉट द एरर है। दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5 ईयर वारंटी। तो जब ये फ्रिज की बात बता रहा है कि फ्रिज अपने साथ 5 साल की वारंटी लेकर आ रहा है, तो इंक्लूडिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम लोगों के बारे में, मतलब लोगों को इंक्लूड करते हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हों। लोगों की बात हो गई, मतलब थिंग्स और पीपल की। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रेजल वर्ब कम्स विद आना चाहिए। कि ये जो फ्रिज है ये किसके साथ आया है? 5 साल की वारंटी कार्ड के साथ आया है। कम्स विद अ 5 ईयर वारंटी। तो किस पार्ट में हो गया हमारा एरर? बी में। तो बी ऑप्शन नहीं लगाना है, बी पार्ट है। और बी पार्ट किस ऑप्शन के अंदर है? ए में है। तो यहाँ पर काफ़ी बार गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद है अपना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट किस में है? ये यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, इस पार्ट में है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यू आर फ्लुएंट इन, तो इसमें करना है। ये वाला पार्ट हमारा येलो है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको। कुड यू प्लीज़ टेल मी विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन। तो हमें इस पार्ट में करना है एरर, यू आर फ्लुएंट इन वाले में, ठीक है। तो वो सही है हमारा। तो यू आर फ्लुएंट इन, तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं जब हम कुछ बात बोलते हैं? स्पीक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस में देखो क्या क्या दे रखा है। यू मे बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, You speak fluently, you fluently speaking, या you have been fluent in speaking। तो यहाँ पर वर्ड हमारा बोलने के लिए speak यूज़ होगा, और speak को मॉडिफाई करने के लिए, यानी verb को मॉडिफाई करने के लिए हम adverb यूज़ करेंगे, which is fluently, यानी कि ये यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आई एन्जॉय लर्न लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक दम, ठीक है। तो लर्न को चेंज करना है। अब आई एन्जॉय के साथ क्या आएगा? कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ जीरंड लेती है, यानी कि कुछ वर्ब जैसे लव हो गया, सजेस्ट हो गया, अपना इन्जॉय हो गया, कंसिडर हो गया। तो ये अपने साथ ये वर्ब्स क्या लेती हैं? वी की आई एन जी फॉर्म लेती हैं, वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म लेती हैं। तो यहाँ पर इन्जॉय के साथ मेरा लर्न की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? आई एन जी फॉर्म आनी चाहिए। तो आई एन्जॉय लर्निंग लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम। तो ये हो गया मेरा फोर्थ का सी पार्ट। इसके बाद आती है हमारी नरेशन, सी जी एल टायर 2 की पूछी हुई है, 2023 की पूछी हुई है। तो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड, तो क्राइड आया यहाँ पे, आई शेल नेवर लाई अगेन, ठीक है। तो वो हेल्प मांग रहा है हेवन से। तो देखो क्राइड है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन क्राइज दे रहा है, यहीं पर कट हो जाएगा। बी ऑप्शन द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है हेवन से, तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा वो, ये कट हो जाएगा। और इसके बाद द मैन कॉल्ड हेवन एंड ऑर्डर, तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता हेवन को कि आओ मेरी मदद करो, मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता। तो बी ऑप्शन देखिए, वो बुला रहा है और बोल रहा है कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर मेरी हेल्प करो, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट सिक्स क्या है हमारा? सी एच एस एल का पूछा हुआ एक्टिव पैसिव वॉइस है। आइए करते हैं। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, तो इसमें बाय नहीं दे रखा, यानी कि सब्जेक्ट कौन था, मतलब डूअर कौन था, किसने किया ये काम, तो वो मिसिंग है। तो हम यहाँ पे कोई भी अपने आप ले लेंगे, समवन
तो अब जब जिसमें मिसिंग होता है ना बाय के बाद, उसमें हम अपने आप से सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो अब ये क्या है, हमारा वॉज प्लस वी थ्री है, और जब ये हमारा एक्टिव में आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, बस सब्जेक्ट प्लस वी टू। तो देखो वी टू कहाँ है, सिर्फ वी टू देखनी है, यहाँ हेड है ये तो नहीं आएगा, कॉलिंग नहीं आएगा। अब देखो कॉल्ड ऑफ है और कॉल्ड है, लेकिन हमारा दे से स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि दे ने तो भाई देम ने तो खत्म किया ही नहीं है, मीटिंग तो उन्होंने बंद नहीं किया ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, समवन से स्टार्ट होगी, समवन किसी ने, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बताया नहीं गया, तो सब्जेक्ट कॉल समवन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, पैराजम्बल आ जाएंगे सी एच एस एल के पूछे हुए हैं। सो पहला स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से, सी से और बी बी से। तो पहले हम पढ़ते हैं जो गिवन है लाइन, अवर 12 ईयर्स इन द फॉरेस्ट वर, तो जो हमारे 12 साल थे फॉरेस्ट जंगल में वो क्या हो रहे हैं। ए को देख लो, राम से स्टार्टिंग हो रही, तो वर के बाद राम नहीं आएगा। उसके बाद सी देखो, वर डिस्कवर्ड, तो वर के बाद डिस्कवर्ड नहीं आएगा। इसके बाद बी देखो, बी 2 में है तो बी को लेकर ही चलना है, वर एंडिंग यानी वो खत्म हो रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, वेगर के अकॉर्डिंग इसके बाद देखो क्या है, बी से स्टार्टिंग है, उसके बाद ए जा रहा है, डी जा रहा है, राम हैड लॉस्ट, वी वुड हैव टू, अगर हम ए को लेकर चलें बी के बाद ए, राम नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, राम हैड लॉस्ट, वी वुड हैव टू स्पेंड अ ईयर इन हाइडिंग, यानी अगर वो हार जाते हैं, अगर कोई उन्हें देख लेता है, तो उनको 1 साल और बिताना पड़ेगा, हैव टू स्पेंड अ ईयर इन हाइडिंग, मतलब छुप के बिताना पड़ेगा। इफ दिस ड्यूरेशन दिस ईयर मोहन मोहन डिस्कवर्ड अवर वेयर अबाउट्स, वी वुड हैव टू एंड्योर अनदर 10 ईयर्स इन एग्जाइल। तो ये बोल रहा है कि हम 12 सालों का हमारा जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हमने ए के मतलब बी से स्टार्टिंग ली है, बी के बाद हमारा ए फॉलो कर रहा है कि नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, जो है बी के बाद हमारा ए फॉलो कर रहा है, तो बी ए डी सी आ जाएगा, बी के बाद डी फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट द स्टडी लेड, तो ये भी हमारा सी एच एस एल का पूछा हुआ है, पैराजम्बल है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, क्यू से, पी से, एस से और क्यू से, तो क्यू 2 बार आ रहा है, उसको देखते हैं। द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट, जो स्टडी साइंटिस्ट ने करी है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग, अब क्या क्या इंक्लूड कर रहा है वो देखते हैं, क्यू से, क्यू के बाद पी है और एस है, क्यू के बाद एस है और पी है, तो इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस फ्रॉम ब्रिस्टॉल, कैम्ब्रिज और जर्मनी की बात चल रही है। जर्मनी के बाद हमने बोला है आर, यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड एनालाइज्ड जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक इवोल्यूशन, तो जो ये वाला फॉलो, ये मतलब ये वाला हमने ऑप्शन उठाया था, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, लेकिन क्यू के बाद एस फॉलो नहीं करेगा, बट साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग मॉडर्न स्नेक, तो इंक्लूड किसको कर रहा था, इनके कोलैबोरेटर्स को इंक्लूड कर रहा था, जो कि ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज और जर्मनी के कोलैबोरेटर्स थे, तो हमारा ए बिल्कुल फॉलो कर जाएगा। इसके बाद आएंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो किसका पूछा हुआ है, सीजेल का पूछा हुआ है। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश एंड ऑफ स्विन डिलीवरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, तो जो सेंटेंस फॉलो करेगा वो पूरा किसको फॉलो करेगा, सिंपल प्रेजेंट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमारा गेट्स आना चाहिए, ना विल गेट आएगा, ना हैज गॉट आएगा, ना गॉट आएगा, गेट्स आ जाएगा हमारा, शी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आई फाइंड दैट द स्टूडेंट्स नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश लेटर्स बाय हैंड, तो ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है, काफ़ी बार फिलिप्स में भी आपको राइटिंग मतलब स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है, तो देखो ना 4 स्पेलिंग्स दे रखी है हमको, राइटिंग, रेटिंग, रेटिंग और राइटिंग, तो यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट आएगा, तो लेटर्स को लिखने के लिए हम राइटिंग यूज़ करते हैं, वर्ब है हमारी राइट और उसकी आईएनजी फॉर्म में हमारी राइटिंग, तो आजकल के लोग जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं जो लेटर्स लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हाथ से लिखे हुए लेटर्स, तो ये आएगी हमारी करेक्ट फॉर्म, इंटरेस्टेड इन राइटिंग लेटर्स। इसके बाद है हमारा 11th क्वेश्चन विच इज़ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सी एच एस एल का पूछा हुआ है। अ बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया आर केप्ट, यानी एक ऐसी बुक जो लोगों का एड्रेस, नेम वगैरह एक एरिया का रखा जाता है उसके बुक के अंदर वो होती है। डायरी तो नॉर्मल जिसमें अपना स्केड्यूल लिखते हैं, नॉर्मल अपनी डे टू डे जो भी रूटीन है वो लिख लेते हैं, नॉर्मल जो डायरी मेंटेन करते हैं वो होते हैं। डायरेक्ट्री, एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरी, तो डायरेक्ट्री वो बुक होती है जो लोगों के नाम एड्रेस लिखते हैं पर्टिकुलर एरिया के।
नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स वगैरह होती हैं और इंसाइक्लोपीडिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ टॉपिक्स लिखे जाते हैं. तो हमारा डायरेक्टरी हो गई इसका आंसर. 12th क्वेश्चन क्या होगा हमारा, OWS CHCL का पूछा हुआ है. तो डिस्पाइट बींग हिज कॉम्पिटिटर जॉन वॉज जेनरस एंड फॉरगिविंग इन डिफीट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज अपोनेंट ऑन हिज वेल डिजर्व. तो जो उसका जो कॉम्पिटिटर था, डिस्पाइट बींग हिज कॉम्पिटिटर, यानी कि उसके कॉम्पिटिटर, उसका कॉम्पिटिटर होने के बावजूद उसने, जॉन ने, वो जेनरस था, फॉरगिविंग था, जबकि वो हार गया था, उसने अपने ओपोनेंट को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी ऑन हिज वेल डिजर्व विक्ट्री, यानी कि जो उसकी विक्ट्री थी, वो जो जीता था. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जेनरस एंड फॉरगिविंग का मतलब, यानी कि वो कैसा था, जेनरस था, मैग्निफिकेंट था, तो यानी कि वो कैसा बंदा था, मतलब दयालु था, काइंड था. तो एल्ट्रिस्ट क्या है हमारा इसमें, एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है अपना ना देखकर. मैग्नानिमस क्या होता है, ऐसा बंदा जो जेनरस होता है, दूसरों का सोचता है. नेक्स्ट है फेंट हार्टेड होता है, लैकिंग करेज, जिसके अंदर करेज नहीं होता. और लास्ट है वेनोमस, ये होता है एक्सट्रीमली पॉइजनस. तो मैग्नानिमस लग जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट हमारा इडियम आ गया है, श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट. तो इस सेंटेंस से हमें कौन सा इडियम इससे रिलेटेड लग रहा है. तो जो श्वेता थी उसने क्या ऑर्गेनाइज की थी, हैंडमेड पोट्री की सेल ऑर्गेनाइज की थी, जो कि चीप रेट पे थी, सस्ते दामों पर थी. खुशमनी, गो फॉर अ सॉन्ग, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा गो फॉर अ सॉन्ग. गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब चीज़ों को सस्ते दाम पर बेचना. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर. तो रजत जो है अपने नोटोरियस नेचर की वजह से जाना जाता है. ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, यानी कि वो आपके सामने फ्रेंडली रहेगा और बट पीछे, बट लाइक्स डैश, क्या करना पसंद करेगा, टू ब्लो इज ऑन ट्रम्पिट, टू स्टैब यू इन द बैक, टू पेंट द होल टाउन रेड, टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू स्टैब यू इन द बैक, यानी सामने सामने तो आपके अच्छा रहेगा और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में भला बुरा बोलेगा. तो होते हैं कुछ लोग जो सामने सामने तो अच्छे रहते हैं और पीछे कुछ और ही होते हैं. 15th क्वेश्चन आ गया हमारा सिनोनिम, केव्स लाइक अजंता लाइज इन परपेचुअल डार्कनेस. तो परपेचुअल का हमें सिनोनिम बताना है. परपेचुअल का मीनिंग होता है जो कि लंबे समय तक होता है, लास्टिंग होता है, नेवर एंडिंग होता है. ऑप्शन क्या है हमारे, परमानेंट, परमानेंट भी क्या होता है, जो हमेशा से चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता. एक्सट्रीम यानी इंटेंस कोई चीज, ब्रीफ यानी शॉर्ट, सेकेंड हो गया, टर्स हो गया हमारा, और ह्यूज यानी लार्ज. तो इसका परफेक्ट आंसर क्या लग जाएगा हमारा, परमानेंट. इसके बाद चलते हैं अपने कोर सिनोनिम की ओर. सो सिनोनिम क्या है, परवेसिव. एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें से चार ऑप्शन उठा करके दे दिए हैं आपको. पूछा क्या है CHSL में, तो परवेसिव होता है हमारा जो चीज़ मतलब एक एरिया इंक्लूड करती है, जो चीज़ प्रेजेंट होती है कहीं पर. पहला ऑप्शन क्या है, एक्सटेंसिव, सबस्टेंटिएटेड, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस. तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो चीज़ एक लार्ज एरिया कवर कर रही हो. इसका परफेक्ट आंसर लग जाएगा एक्सटेंसिव. इसके बाद हमारे एंटोनिम्स आ जाएंगे. एंटोनिम्स है हमारे लाइएबल. लाइएबल का मतलब होता है हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी ड्यूटी है. तो कोई भी डैमेज हो गया, कोई भी गलती हो गई, तो उसके लिए हम लाइएबल हैं, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे. अब ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि हम उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं. टेंडिंग हो गया, पीसफुल हो गया, इनवल्नरेबल हो गया. इनवल्नरेबल यानी कि कोई चीज़ जो हार्म नहीं करती है, यानी असुरक्षित है, कोई चीज़ जो हार्मफुल है. तो ये इसका क्लोज टू एंटोनिम लग जाएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 18th सेंटेंस हमारा CHSL का पूछा हुआ. तो एंटोनिम बताना है इसमें भी हमें. वर्ड है हमारा नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन है, CHSL का पूछा हुआ है. क्या है हमारा, इम्परटरबेबल. इम्परटेबल इम्परटरबेबल का मतलब होता है हमारा एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिंदगी में सुख आ रहा हो, दुख आ रहा हो, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है, काम रहता है. जैसे आपने थ्री इडियट्स के आमिर खान को देखा हो, तो उसके दोनों दोस्त परेशान रहते थे, लेकिन वो क्या करता, ऑल इज वेल ऑल इज वेल. यानी कि उसके लिए हर सिचुएशन सेम है, नॉर्मल है, कोई भी चीज़ ना अपसेट करने वाली है ना एक्साइटेड है. ऑप्शन स्टार्टलिंग, कंटामिनेटिंग, एक्सपोरेटिंग और एक्साइटेबल. तो इसका नॉर्मल ऑप्शन मतलब तो है हमारा नॉर्मल रहना, काम रहना, और एक्साइटेबल का मतलब है एंथुसियाज्म से फुल हो जाना, यानी कि एक्साइटेड हो जाना.
इसके बाद चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर, विच इज हमारा स्पेलिंग चेक, एमटीएस का पूछा हुआ है। तो चार वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें इसमें स्पेलिंग देखनी है। तो अक्यूमुलेशन, डिकेड्स, डेकेड्स, एटमोसफियर और इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग भी सही है, हमारा एटमोसफियर भी सही है, हमारा डेकेड भी सही है। एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग हमारी गलत है, जो कि होगी हमारी ए डबल सी एक्यू, फिर यू आएगा एक्यूमुलेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एक ही स्पेलिंग पे नहीं, आपको चारों स्पेलिंग पे ध्यान देना है, चारों स्पेलिंग्स हाथ के हाथ लर्न करनी है। इसके बाद 20th, इसमें ढूंढना है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक करेक्शन कर लेते हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। अब देखो इसको, सर्जियंट, प्लेराइट, लीजर और अपना एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एक्स ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी, जहाँ पर ए है वहाँ पर ई आएगा, ठीक है। तो ये था एरर, जो कि एरर नहीं था, खुद बना दिया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, इंडिया विल होस्ट एन इंटरनेशनल समिट ऑन बुद्धिज्म, ठीक है। इंडिया एक इंटरनेशनल समिट बुद्धिज्म के ऊपर होस्ट करने वाला है, कब से, अप्रैल 20 और अप्रैल 21 को भाई, ठीक है। डेलीगेट्स आएंगे, 30 कंट्रीज के डेलीगेट्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सबमिट में। अ नोटेबल एक्सेप्शन डैश चाइना, यानी उसमें चाइना नहीं होगा, एक्सेप्शन यानी चाइना को नहीं बुलाया गया है, नोटेबल। अब नोटेबल के साथ क्या आएगा, नोटेबल बीन बींग बी या फिर एंशियंट, तो नोटेबल बींग आएगा। नोटेबल बींग एक फ्रेजल फ्रेज है, मतलब उसमें बोला जा रहा है कि इसको छोड़कर, यानी चाइना को छोड़कर। तो फ्रेजल में क्या आएगा, हमारा फ्रेज में क्या आएगा, एक्सेप्शन बींग, तो चाइना भाई उस रहने वाला है। फिर तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर, जो भी दलाई रामा है, दलाई लामा है, इज ऑल्सो अनलाइकली टू अटेंड। तो ये जो दलाई लामा है, ये भी अनलाइकली अटेंड नहीं करने वाले हैं टू डे कॉन्क्लेव। द मेडन कॉन्फ्रेंस बींग ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, तो कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन विल डिस्कस, और इसमें क्या करेंगे, जो बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है इंटरनेशनल के, वो क्या डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस डैश ग्लोबल इशू थ्रू अ बुद्धिस्ट परस्पेक्टिव। तो ये क्या डिस्कस करने हैं, विल डिस्कस क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, ओल्ड या आर। तो ये डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि जो सेम टाइम पे इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, आ रहे हैं, डिस्कस कंटेम्प्रेरी यानी अकरिंग इन द प्रेजेंट, अकरिंग इन द प्रेजेंट, जो सामने चल रहे हैं ग्लोबल इश्यूज, जो ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं थ्रू अ बुद्धिस्ट परस्पेक्टिव, यानी बुद्धिस्ट के परस्पेक्टिव नज़रिए से देखने वाले हैं। इसके बाद आएगा मेरा ओवर 170 डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज, यानी कि 170 डेलीगेट्स कहाँ से हैं भाई, मैक्सिको से हैं, अपने कैम्बोडिया से हैं, लाओस से हैं, थाईलैंड से है, जापान, और 150 इंडिया से हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे सबमिट में, टू बी हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल में हेल्ड होने वाली है। डेलीगेट डैश प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, तो डेलीगेट्स क्या है, डेलीगेट्स कैसा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसे लेगा, हमारी प्लूरल वर्ब लेगा, तो इंक्लूडेड आएगा, इंक्लूड आएगा, इंक्लूडिंग आएगा, इंक्लूड्स आएगा, तो इंक्लूड्स तो आएगा नहीं, इंक्लूडेड भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही है, और इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा नहीं सकते हैं, तो क्या आएगा, इंक्लूड आएगा, द डेलीगेट्स इंक्लूड। द डेलीगेट्स क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोमिनेंट मतलब जिनकी रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग, स्कॉलर्स, मॉन्क्स आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, मेंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे ग्लोब से ये लोग आने वाले हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट, सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स कहाँ से आएंगे, श्रीलंका एंड वियतनाम, तो श्रीलंका और वियतनाम से आने वाले हैं। देखो 20 और 30 इन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है। फिर अभिजीत हल्डर एक नाम दिया हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, तो इसके जो डायरेक्टर हैं हमारे सेड, उन्होंने क्या कहा, सेड दैट व्हाइल नो डेलीगेट हैड बीन कंफर्म, यानी इन्होंने कहा है कि कोई भी डेलीगेट चाइना से हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, तो भाई चाइना तो कट हो गया। देयर वुड बी टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ताइवान, तो ताइवान से दो पार्टिसिपेंट्स बोले गए हैं। द इन्विटेशंस डैश सेंट टू वेरियस बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, तो जो इन्विटेशंस हैं सबको भेजे जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में क्या है, इन्विटेशन भेजा जाता है, तो इन्विटेशंस हैं, ज़्यादा है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हैड नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा।
प्लूरल हमारा क्या है, वर आएगा. तो ये वर सेंट टू वेरियस बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को भेजा गया है. एंड नाउ नॉट टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स को नहीं भेजा गया है, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को भेजा गया है. मिस्टर हल्दार एडिड, उन्होंने ये चीज़ ऐड की है. ही ऑल्सो मैंशन दैट द दलाई रामा, जो दलाई रामा थे अपने, डैश नॉट अटेंड द इवेंट ड्यू टू हेल्थ इशू. तो उन्होंने पहले भी मैंशन किया था, कहाँ क्या गिरा, जो दलाई रामा थे वो हमारा जो है ये जो सबमिट थी अटेंड नहीं करने वाले हैं. तो ये लास्ट में उन्होंने चीज़ दोबारे मैंशन कर दी कि जो दलाई लामा है वो अटेंड नहीं करेंगे इस इवेंट को ड्यू टू हेल्थ इशूज. तो क्या आना चाहिए, ऑट टू, माइट, यूज टू और हमारा डेयर. तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारी मोडाल्स हैं, मोडाल्स हमने डिस्कस करी हैं. मोडाल्स में हमने पढ़ा है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जब किसी का भाई हेल्थ इशू है तो उसको बताने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं. कौन सी मोडाल यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा. ये इस पे था हमारा इंटरनेशनल सबमिट ऑन बुद्धिज्म पे था. तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरीवन.